गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ रोहतक, और रोहतक में है तपस्या पराठा जंक्शन, जिसके बारे में मैंने सुना है कि वो देश का सबसे बड़ा पराठा बनाती है। तो देश का सबसे बड़ा पराठा बनाती है और दिल्ली के पास है, तो मैंने सोचा क्यों ना जाया जाए। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ तपस्या पराठा जंक्शन पे। और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा जो रिसेंट अपडेट्स होगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी आपको ये नीचे साइड में दिख रही है। तो खैर, अब हम मेन चीज़ की बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं तपस्या पराठा जंक्शन के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज तपस्या पराठा जंक्शन जाया जाए और वहाँ के पराठे का लुत्फ़ उठाया जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा चलते हैं पराठा खाने के लिए आपका रोहतक। वैसे मूर्तल तो मैं खैर काफ़ी बार जा चुका हूँ, और मूर्तल में मैंने सुखदेव के और आपका हवेली के, और एक मूर्तल में ढाबा है आपका बॉलीवुड ढाबा, तो वहाँ पे तो मैंने काफ़ी बार पराठा खाया है। पर लेकिन ये जो पराठा है तपस्या पराठा जैक्सन, ये काफ़ी यूनिक पराठा है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा पराठा है। और देश का सबसे बड़ा पराठा होने के साथ साथ इसका टेस्ट कैसा है हमें वही पता करना है। तो इसलिए मैं आज आपको जो फूड रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो आपके लिए मैं तपस्या पराठा जंक्शन जाके फूड का रिव्यू करूँगा कि वहाँ पे कैसा उसका पराठा है बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुछ हेल्प करें। आपको करना ये है कि आपको अपने एरिया के या कुछ ऐसा जगह जहाँ पे आप उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या उस जगह के फूड का रिव्यू जानना चाहते हैं, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी बताई हुई जगह पर जाऊँ। तपस्या पराठा जंक्शन पहुंच गया हूं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसका एड्रेस क्या है और आपका कैसे यहां पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस टाइम मैं तपस्या पराठा जंक्शन के किचन में आ चुका हूं, और देख रहे हैं मैंने यहां पे ऑर्डर दिया है मटर पनीर पराठा का, जिसकी कॉस्ट मेरे को 480 रुपये की आई है। और ये भाई साहब इसके अंदर अभी स्टफिंग डाल रहे हैं आपका मटर पनीर का, और देखने में तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा है। और ये अब इसको फोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, मेरी इनसे बात हुई थी पराठा बनाते वक्त, तो मैंने इनसे पूछा था कि इसके अंदर कितना आपका स्टफिंग जाता है और आटे का क्या वेट रहता है। तो इनके हिसाब से आटे का जो वेट है वो 800 ग्राम के आसपास होता है, और जो इनकी स्टफिंग होती है वो 1 किलो 100 ग्राम यानी कि ऑलमोस्ट 1 किलो की होती है, 1 किलो से ज़्यादा की, सॉरी। और ये कुल मिला के आपका जो पराठा होता है ये 1 किलो 900 ग्राम का होता है पराठा। तो 1 किलो 900 ग्राम का पराठा किसी एक आदमी के खाने की बस की बात तो है नहीं। वो मैंने कहा कि भी मैंने चैलेंज लिया कि चलो खा के देखते हैं, अगर खा लिया तो ठीक, नहीं तो पराठा तो देख ही लिया कैसा है। खैर, इसका तवा काफ़ी बड़ा है, मतलब जिसमें आप नॉर्मली देखा होगा आपने जो टिक्की वाले होते हैं, और जितने बड़े तवे में आपका टिक्की बनाते हैं उतने बड़े तवे के अंदर इनका एक पराठा बनता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा पराठा है। और ये जो पराठा है ये पूरा एक टिक्की का जो तवा होता है उसके अंदर पूरा कवर कर लिया जाता है।
ये भाई साहब जो है अब इसका कट कर रहे हैं ताकि हम इजली इस पराठे को खा सकें। ये डायमंड शेप में आपका पराठा तैयार हो जाता है। और भाई साहब अब इसके ऊपर अपनी मक्खन की टिकियाँ रख रहे हैं। और पराठा जब तक ठंडा हो चुका है, जब तक ये पराठा यहाँ पर खाया, क्योंकि इतने में पराठा पिघल जाता है, सॉरी मक्खन पिघल जाता है। और इसके साथ ये यहाँ पे आपको 3 रायते की कटोरियाँ देते हैं, क्योंकि इतने बड़े पराठे के साथ आप रायता तो खाओगे खाओगे, और रायता का साइज़ भी ठीक है इनका। तो ये मेरा पराठा आ गया। तो देखो दोस्तों, ये पराठा आप जब देख रहे हो, कब खुद गैस कीजिए कि ये पराठा किस तरह बना हुआ है। मुझे तो कहीं 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 से ये पराठा थोड़ा कच्चा लग रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का सा कच्चा है पराठा, पर शायद टेस्ट अच्छा हो। चलो तो खा के देखते हैं पराठे को कैसा लगता है खाने में। दोस्तों ऐसा है कि पहले तो मैं पराठा खाता हूँ, क्योंकि मुझे लगी है बड़ी जोर की भूख। देन उसके बाद मैं आपसे अपना व्यू शेयर करूँगा कि मुझे पराठा कैसा लगा। तो पहले मैं इसको खा लेता हूँ। ओके, आप वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि पराठा मुझे कैसा लगा। दोस्तों मैंने तो अपना पराठा यहाँ पे फिनिश कर लिया है, और फिनिश मैंने ज़्यादा नहीं किया, एटलीस्ट मैंने थोड़ा ही खाया है, क्योंकि मैं ज़्यादा खा नहीं पाया। उसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे जैसे पराठे की स्टफिंग चेक करेंगे, तो इसमें इन्होंने सिर्फ ज़्यादा आटा ही दिख रहा है मेरे को इस स्टफिंग के बीच में, और ये पराठे का बिल्कुल बीच का एरिया है, जिससे आप खुद एक आइडिया लगा सकते हैं कि कैसी स्टफिंग की गई है। तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर यहाँ पर आना चाहता है तो वो इसलिए आए यहाँ पे कि दुनिया देश का सबसे बड़ा पराठा है, तो आप यहाँ पे आके एक बार देख सकते हैं पराठा कितना बड़ा पराठा है। बट हाँ, अगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ ये पराठा मुझे बिल्कुल टेस्टलेस लगा है और खाने में उतना अच्छा नहीं है। तो थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो भी आपके पॉइंट्स हैं आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसको आगे आने वाली वीडियोस में यूज़ कर सकूं। थैंक यू।